विद्यार्थी परिषद ने की संगड़ा कॉलेज के क्षतिग्रस्त रास्ते की मुरम्मत। भूस्खलन से लगभग बंद हो चुके रास्ते के लिए सरकार अब तक उपलब्ध नहीं करवा पाई बजट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संगड़ा महाविद्यालय इकाई द्वारा बारिश व भूस्खलन से लगभग बंद हो चुके कॉलेज के रास्ते की मुरम्मत की गई। एबीवीपी कार्यकर्ता अभिषेक, पंकज, शुभम व पवन आदि ने बताया कि गत माह से वह महाविद्यालय प्रशासन तथा स्थानीय पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों व क्षेत्र के सभी दलों के नेताओं से इस रास्ते की मुरम्मत के लिए बजट मुहैया करवाने की मांग करते रहे। उन्होंने कहा कि नेताओं व प्रशासन द्वारा जब सरकारी बजट उपलब्ध होने में कुछ दिन और लगने की बातें कही गई तो उन्होंने खुद ही कुदाल फावड़े और बेलचे संभाल लिए। कुछ ही घंटों में छात्रों ने लैंडस्लाइड से एक जगह लगभग बंद हो चुके इस रास्ते को चलने लायक बना दिया। एबीवीपी ने डिग्री कॉलेज संगड़ा में मूलभूत सुविधाएं मुहैया न करवाने तथा स्टाफ के अभाव के लिए शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी भी जताई। कॉलेज में वर्तमान में जहां विज्ञान संकाय का एक भी प्रवक्ता नहीं है, वहीं आर्ट्स व कॉमर्स विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कई पद खाली है। यहां स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू किए जाने, इग्नू सेंटर चालू करने तथा एनसीसी शुरू करने जैसी विभिन्न छात्र संगठनों की मांगे भी अब तक पूरी नहीं हुई। कॉलेज में खाली पदों को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा अब तक हालांकि दो बार क्रमिक भूख हड़ताल की जा चुकी है, मगर इसके बावजूद टीचिंग स्टाफ के खाली पद नहीं भरे गए। वर्ष 2006 में शुरू हुए इस महाविद्यालय में हालांकि जिला व प्रदेश के अन्य उपमंडल मुख्यालयों पर मौजूद महाविद्यालयों की तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, मगर इसके बावजूद इस कॉलेज के दर्जन भर छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर तथा सरकारी नौकरियों में अन्य उच्च पदों पर चयनित हो चुके हैं। और अधिक समय तक सरकारी बजट का इंतजार किए बिना परिषद के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस काम चलाऊ रास्ते से महाविद्यालय के छात्रों तथा इधर से गुजरने वाले आसपास रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली।